आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के समय के बारे में। जिस दिन महिला को पता चलता है कि उसके गर्भ में एक नन्ही सी जान आ गई है, उस दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक का सफ़र गर्भवती महिला के लिए बहुत खास होता है और साथ ही परेशानियों से भरा भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में लगातार हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव महसूस कर सकती हैं। और इन्हीं बदलाव के कारण गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी महिला को अपनी अच्छे से केयर करने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भ में शिशु का विकास बेहतर तरीके से हो सके। गर्भ में शिशु का आना ही महिला के मातृत्व का एहसास को जगा देता है, लेकिन डिलीवरी के समय पास आने पर महिलाओं के मन में यही घूम रहा होता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी ही पसंद करती हैं, जबकि कुछ महिलाएं दर्द से बचने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली परेशानियों के कारण सिजेरियन डिलीवरी की मदद से शिशु को जन्म देती है। लेकिन यह भी सच है कि डिलीवरी की किसी भी तरीके से हो, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कितनी भी परेशानी आई हो, शिशु के महिला के हाथ में आते ही महिला की सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी में महिला प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म देती है, जिसे बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद शिशु जन्म लेता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के दौरान बॉडी में बहुत से लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि महिला को रुक रुक कर पेट में दर्द, कमर पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास होना, प्राइवेट पार्ट में एमनियोटिक फ्लूइड का निकलना, ब्लड फ्लो होना, शिशु का गर्भ में अधिक हलचल करना। ऐसे में इन लक्षणों को बॉडी में महसूस होना ही बच्चेदानी के खुलने का लक्षण होता है, और शिशु के जन्म से पहले एकदम से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। साथ ही शिशु के जन्म के लिए बच्चेदानी का मुंह लगभग 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए ताकि शिशु का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के मदद से हो सके। ऐसे में जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, महिला को दर्द का एहसास भी बढ़ने लगता है, लेकिन यह दर्द एकदम ही ठीक नहीं होता, बल्कि रुक रुक कर इसका अनुभव होता है। पहले स्टेज में बच्चेदानी का मुंह 0 से 3 सेंटीमीटर तक खुल सकता है, उसके बाद यह 4 से 7 या 7 से 8 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, और इसके बाद यह 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल सकता है। और जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है, वैसे वैसे महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ती जाती है, और बच्चेदानी का पूरा मुंह खुलते ही शिशु का जन्म हो जाता है। और ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान टाँके नहीं लगते, बल्कि कुछ महिलाएँ सामान्य प्रसव से शिशु को जन्म देती हैं, उन्हें भी टाँके लगते हैं। शिशु का भार नीचे की तरफ महसूस होना और सीने और पेट में हल्कापन महसूस होना नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण हो सकते हैं। और भी ऐसे नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि गर्भाशय में संकुचन का अधिक होना, प्राइवेट पार्ट में तरल पदार्थ यानी एमनियोटिक फ्लूइड का निकलना, पेट कमर पेट के नीचे हिस्से में रुक रुक कर दर्द का अनुभव होना या मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव होना, प्राइवेट पार्ट से तरल पदार्थ के साथ खून की बूंदें महसूस होना, पेट से जुड़ी समस्या जैसे कि कब्ज आदि का अधिक होना, बहुत अधिक नींद आना लेकिन बेचैनी का अनुभव होने के कारण सोने का मन न करना, जोड़ों में दर्द और खिंचाव का अनुभव होना, ये सब नॉर्मल डिलीवरी होने के लक्षण हो सकते हैं। तो यह है नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इससे जुड़ी कुछ बातें। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिला को अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना आए। साथ ही यदि महिला की गर्भाशय की सतह पतली है तो महिला को अपनी दुगनी केयर करनी चाहिए, क्योंकि यदि महिला की सतह कमजोर होती है तो इसके कारण समय पूर्व प्रसव जैसी परेशानियों का सामना महिला को करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।